आध्यात्मिक गुरुदेव की नंदन ठाकुर महाराज को विदेश से जान से मारने की धमकी मिली है। खारगर पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उक्त धमकी के बाद खारगर पुलिस ने देवकी नंदन महाराज को सुरक्षा बढ़ा दी है और संबंधित धमकी भरे फोन से संबंध में आने वाले जाँच शुरू कर दी है। खारगर में 31 दिसम्बर तक देवकी नंदन ठाकुर महाराज की श्रीमद भागवत कथा चल रही है। इसी कार्यक्रम के दौरान किसी ने मोबाइल पर विदेश से कॉल कर देवकी नंदन महाराज को गाली देते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने की हिदायत दी। इस संबंध में देवकी नंदन महाराज ने मीडिया को बताया कि यह धमकी भरा कॉल उन्हें दुबई से आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो, अगर तुमने हमारी सलाह का पालन नहीं किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान अध्यक्ष राम कुमार पाल ने इसकी कड़ी निंदा की है। राधे राधे, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परमावश्यक है। उसके बाद आज 24 तारीख 24 दिसंबर सुबह 11:30-12 बजे करीब मैं बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फ़ोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फ़ोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसने इतनी गालियाँ दी, पता नहीं कहाँ से लोग ये इतनी गालियाँ सीख लेते हैं, इतनी गालियां दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो, मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूं। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूं, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, और मैं आशा रखता हूं क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूं, तो यहां के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एक